लोग आप देखिए आगे से पीछे, भाई स्विफ्ट तो आपने बहुत देख ली होंगी, अभी इस तरह की नहीं देखी होंगी। वहीं ये थोड़ा सा नीचे रहती है, क्यों उसको भी बात करेंगे अभी। बाकी चलिए फिलहाल डिफरेंस, इसमें 14 इंचेस के टायर है, इसमें 15 इंचेस के टायर है, इसीलिए ये थोड़ी सी उठी उठी हुई हमें फील भी हो गया। ब्लैक भाई, ए पिलर, पी पिलर, सी पिलर, ऑल ब्लैक। यहाँ पर हमें लोअर गार्निश देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर भाई रियर का गेट भाई खोलने, भाई बहुत बढ़िया सा जो यहाँ पर चल रहा है, इस तरह से यहाँ पर इसे ओपन कर सकते हैं। हेलो भाई, मैं हूँ अनी गंगवार भाई, आज अपने पास हो स्विफ्ट। भाई आप इस स्विफ्ट को ध्यान से देखिए भाई, करोल बाग का काम बंद करा देंगे ये मारुति वाले धीरे धीरे। आप देखना पूरा स्पोर्टी लुक भाई, करोल बाग जो काम अपने पास से करके देता है ना, मारुति अब एजेंसी से ही करके दे रही है, स्टॉक से ही कह रही है। करोल बाग वालों को हम ठप करके ही छोड़ेंगे भाई, अब हद हो गई भाई, पूरा स्पोर्टी लुक आप देखिए आगे से पीछे। भाई स्विफ्ट तो आपने बहुत देख ली होंगी, अभी इस तरह की नहीं देखी होंगी भाई, बिल्कुल अलग लेवल पर काम किया गया है इसमें। चलिए अपन स्टार्ट कर दें इसको फ्रंट से, इसकी फ्रंट से बात करते हैं ना, तो हमें इसकी फ्रंट में विड्थ देखने के लिए मिल जाती है 1735 mm, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाती है भाई। अगर मैं इसकी फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करता हूँ, तो भाई हेलोजन बेस्ड हमें देखने के लिए मिल जाती है। भाई यहाँ हेलोजन नहीं है, हमें भाई हेलोजन है रिफ्लेक्टर बेस्ड, और यहाँ पर हमें हेलोजन में ही इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, और नीचे फॉग लैम्प हमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी भाई आप देखेंगे नीचे से ये ब्लैक जो अलग से इसमें लगाया गया है ना स्पोर्टी लुक के लिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। अगर ये नई वाली अपने को यहाँ पर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है स्विफ्ट में, जो कि क्रोम फिनिश में हमें देखने के लिए मिलती है भाई। यहाँ पर अपन को स्विफ्ट में, ये स्विफ्ट कह रहा हूँ सॉरी भाई, फ्रंट में मारुति का लोगो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस तरह से था बाकी इसका फ्रंट का लुक। बाकी आगे आते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखेंगे भाई, एक तो ये ज़मीन से लगी हुई सी गाड़ी आप देखेंगे, पड़ोस में डिज़ायर गाड़ी है, कितनी उठी उठी है भाई बुखार। वहीं ये थोड़ा सा नीचे रहती है, क्यों उसको भी बात करेंगे अभी। बाकी चलिए फिलहाल इधर आते हैं इसके टायर सेक्शन, चलिए इधर से नहीं कवर करते, इधर से करते हैं इस कार को कवर, क्योंकि इधर अच्छा स्पेस हो जाता है हमारे लिए भाई। चलिए इधर से हम टायर सेक्शन की बात करते हैं, तो हमें टायर देखने के लिए मिल जाते हैं 165/80R40। भाई सबसे मेन डिफरेंस, इसमें 14 इंचेस के टायर है, इसमें 15 इंचेस के टायर है, इसीलिए ये थोड़ी सी उठी उठी हुई हमें फील भी हो रही है। चलिए बाकी यहाँ पर आपको फ्रंट फेंडर पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, फ्रंट फेंडर अपन को खाली देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्पोर्टी लुक के लिए सबसे मेन क्या है, ब्लैक भाई, ए पिलर, पी पिलर, सी पिलर, ऑल ब्लैक, मतलब बढ़िया, मतलब यही तो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं भाई, यही चीज़ें तो स्पोर्टी लुक बनाती हैं इस कार का भाई। यहाँ पर देखेंगे तो ORVM पर हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स भी यहाँ पर ORVM पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए बाकी कार में अगर हम इधर आते हैं, तो यहाँ पर हमें लोअर गार्निश देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर भाई रियर का गेट भाई खोलने के लिए गेट हैंडल, यहाँ पर हमें डोर में कोई भी नहीं मिलेगा भाई, बहुत बढ़िया सा जो यहाँ पर चल रहा है, इस तरह से यहाँ पर इसे ओपन कर सकते हैं। लेंथ की बात करता हूँ, तो भाई हमें 3845 mm भाई सब 4 meter है भाई, हैचबैक हो गए भी इसकी काफ़ी लेंथ हो जाती है 3845 mm। वहीं इसका व्हील बेस हमें 2450 mm देखने के लिए मिल जाता है भाई। अगर इधर इसका फ्यूल टैंक भी आ गया, चलिए तो फ्यूल टैंक की भी बात कर लेते हैं। हमें 37 liter की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, पेट्रोल वेरियंट है तो भाई पेट्रोल की इसमें 37 liter की हमें कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है भाई, केवल पेट्रोल में ही आती है, कोई भी हाइब्रिड नहीं है इसमें, ना ही कोई डीजल वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें ब्लैक एलिमेंट कितना प्यारे लग रहे हैं जो नीचे से लगाए गए हैं। और बाकी ये VXI वेरिएंट है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील कवर चढ़े हुए हैं इस पर भाई। 14 inches के हमें यहाँ पर टायर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। अगर मैं ना इसकी विड्थ को i10 के साथ कंपेयर करूं, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है ही कौन भाई, हुंडई की ग्रैंड i10, तो इसकी विड्थ 1735 mm भाई, हमें उसकी विड्थ देखने के लिए मिल जाती है 1680 mm भाई, बहुत कम विड्थ हमें वहीं ग्रैंड i10 की देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं लेंथ को कंपेयर करके इसकी देखता हूं, तो भाई हमें इसकी लेंथ मिल रही है करीब 3845 mm, वहीं हमें i10 की लेंथ मिलती है 3815 mm। आप हर जगह देखेंगे ना, तो स्विफ्ट अपने सेगमेंट में उठकर आ रही है भाई, उठकर हर जगह से अलग से ये हाईलाइट हो रही है। चलिए गाड़ी के अंदर आते हैं भाई, अंदर आने से पहले इसके बूट पर चलेंगे, मैं बूट को ओपन करता हूँ पहले यहाँ से फ्यूल टैंक, सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट बूट ओपन होगा यार। हाँ ये रहा अपना बूट भाई, यहाँ पर हमें स्विच मिल जाता है, इसे दबाते ही बूट अपना ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें पार्शियल ट्रे भी देखने के लिए मिल जाती है, बाकी ये मारुति स्विच की जेन्युइन एक्सेसरीज, ओके भाई ने काम करवाया हुआ है भाई, ये सारी चीज़ें भाई ने चेंज करवा रखी हैं टॉप मॉडल की। अभी हम अंदर से बात करेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं भाई। ये टो करने के लिए अपन को देखने के लिए मिल जाता है इसमें। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो टायर साइज़
165 ATR 14, वही सेम टायर हमें स्टेपनी का भी देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का सीन है, यहाँ पर हुक मिल जाता है अपन को सामान वामान टांगने के लिए। यहाँ पर कोई भी बूट लैंप नहीं मिलती, आफ्टर मार्केट आप इजीली यहाँ पर लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपना जैक वैक सब यहाँ पर रखा हुआ रहता है। तो कुछ इस तरह का था अपना बूट स्पेस भाई, हमें इसमें 268 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, बहुत बढ़िया है। अगर हम सफारी की बात करें, हैरियर की बात करें, अर्टिगा की बात करें, सेवन सीटर्स कार की, भाई 208 लीटर, 200 लीटर, 190 लीटर ये बूट स्पेस है, इसमें 268 लीटर भाई, सबको पीछे छोड़ दिया इसने तो, काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं चीज़ें भाई। किसी शौकीन बंदे की कार लग रही है मुझे, जिस हिसाब से बंदे ने काम कराया। रियर में देखिए आप, स्पॉयलर लगवाया ब्लैक में पूरा, इसे क्या करा है, स्पोर्टी लुक कराने की कोशिश करी है भाई ने, क्योंकि पूरी पूरी भाई। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें क्रोम फिनिश देखने के लिए जाती है। नीचे देखिए, नीचे भी आपको ये पूरा ब्लैक में स्किड प्लेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर हमें एक ये 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर भी यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अपन को कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, ये यहीं से लगवाया हुआ है बाहर से। चलिए, और बाकी यहाँ पर ना ही कोई डिफॉगर वॉशर यूनिट कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि BXI वेरियंट है, BXI में आता भी नहीं है। चलिए कार के अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं अब कार को। भाई अंदर आने से पहले सबसे पहले आप इसके गेट को देखिए, मैं कह रहा था ना ऑनर ने सब कुछ चेंज करवाया हुआ है इंटीरियर में। भाई ये देखिए क्रोम फिनिश में कितना प्यारा लग रहा है, वुडन फिनिश हल्का सा येलोइश के साथ बहुत प्यारी लग रही है भाई। अपन को जो इसके ORVM है भाई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते हैं भाई। यहाँ पर अपन यहाँ से विंडशील्ड को लॉक कर सकते हैं, सेंट्रल लॉकिंग के लिए हो गया, और अपनी ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। बाकी ऑल फोर पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। नीचे बात करते हैं तो भाई यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर मिल जाता है, इधर कुछ सामान रखने के लिए प्लेस मिल जाता है। चलिए, बाकी यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए आपको कोई स्विच नहीं मिलेगा, क्योंकि बूट अपन पीछे से ही ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अंडर थाई सपोर्ट की, तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। और स्कूप्स देखिए भाई, ये चीज़ जो चली है ना मारुति की सीट्स की भाई, तो इसीलिए इनकी बलिनो इतना बिक रही है मार्केट में, लहर निकाल रखी है बिल्कुल। और इसीलिए ये देखिए आप भाई, मतलब ये पोस्चर्स आपको पूरा पकड़ के रखती हैं ये सीट्स भाई, कहीं जाने ही नहीं देंगी। चलिए कार के अंदर आते हैं भाई, जब अंदर आते हैं ना तो अंदर जब हम इसके स्टेयरिंग की बात करेंगे भाई, स्टेयरिंग देखेंगे तो नीचे से इस तरह से डीकट टाइप हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर कोई भी बटन फिनिश हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, सिल्वर फिनिश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर अपन को टेलीफोनिक कंट्रोल्स, और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है भाई, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स। और बाकी आप देखिए भाई ने जो पीछे कैमरा लगवाया था ना, उसने इसे छेड़खानी नहीं कराई है भाई, इसे कराया। आप देखिए यहाँ से इसमें कैमरा चलेगा भाई कार को, आप बैक करेंगे तो ये अपना मिरर का भी वर्क करेगी और इसी में अपना कैमरा भी वर्क करेगा भाई। भाई ने इसे भी चेंज करवा रखा है भाई, इसे भी वुडन टेक्सचर देने की कोशिश की गई है, काफ़ी बढ़िया कोशिश क्या की गई, दे दिया है भाई, बढ़िया भी लग रहा है भाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो गियर नॉब के चारों तरफ भी साल्टर सिल्वर फिनिश काफ़ी बढ़िया लग रही है, और यहाँ पर भी वुडन फिनिश दी गई है। बाकी अगर मैं इसकी गियर नॉब की बात करता हूँ तो वही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अपन को ऑक्स के लिए और USB के लिए, यहाँ पर फोन स्पेस, और तो यहाँ पर अपनी ये कप होल्डर होगा। और यहाँ पर अपन 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट मिल जाता है डेडिकेटेड, इसमें हम चार्जर लगा सकते हैं। कुछ इस तरह का सीन था। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई, ये अपना हो गया भाई AC के लिए, ये AC का स्विच हो गया, यहाँ से फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मोड्स को चेंज करने के लिए, और ये अपना टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, मतलब टेम्परेचर सेट करने के लिए हो जाता है यहाँ से भाई। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो यहाँ से आपको ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए इधर अपन को हेडलाइट लेबलर यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरह का सीन था यहाँ पर। यहाँ पर ये अपना फॉग लैंप के लिए हो गया। चलिए, बाकी ये अपने चारों आगे AC बैंड्स भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। अगर मैं इस कार के MID की बात करता हूँ तो नॉर्मल जो स्विफ्ट में MID आता है ना हमेशा से, भाई MID हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे ना यहाँ पर इसके जो नॉब दिए हुए हैं, इसमें भी लिखा हुआ है ट्रिप, लिखा हुआ है जस्ट लाइक, यहाँ से आप ट्रिप सेट कर सकते हैं। ये आ गया ऑडोमीटर, अपना गया ट्रिप ए, ट्रिप भी आ गया, ये ऑडोमीटर, बस इसमें तीन ही ये दिए हुए हैं। बाकी मेरे ख्याल से एवरेज इधर होना चाहिए था, एवरेज, हाँ एवरेज यहाँ से आएगा अपन का, जस्ट लाइक ये आ गया इंस्टेंट, ये रेंज आ गई, इस तरह से सीन रहता है। बाकी यहाँ पर अब इससे टाइट प्रेस करके रखेंगे ना तो भाई इस तरह से आप क्लॉक ब्लॉक यहाँ से सब एडजस्ट भी कर सकते हैं ये चीज़ें,
इस तरह से लाइट, इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है, सिक्योरिटी, डिफ्यूल एंड ये सब चीज़ें यहाँ से मैनेज हो जाती हैं। भाई अगर मैं इधर देखता हूँ इसके MID को, तो भाई इसके MID हमें भाई नॉर्मल देखने के लिए मिल जाता है। कुछ भी इसमें आप सोचें ना, टच स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आपके नहीं है, तो ये इतनी सी ही स्क्रीन है जो अपनी अर्टिगा VXi में आया करती थी पहले। तो अर्टिगा VXi में तो आज भी आ रही है, मतलब जो VXi में आती है ना अर्टिगा, वही वाली आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। भाई अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो अच्छा खासा स्पेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी कूल्ड या फिर लाइट हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। अगर सामने बात करते हैं यहाँ, तो हमें टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं इस साइड में हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर अपन माइक हो गया अपन का, ये केबिन लैंप हो गई। तो कुछ इस तरह से था इसका इंटीरियर आगे का। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे से देखते हैं कार को। भाई पीछे आएंगे तो भाई इसके जो स्टाइलिश गेट्स हैं भाई, यहाँ से ओपन करने हैं अपन को। बाकी पीछे के अगर मैं गेट्स देखता हूँ तो भाई कुछ इस तरह से हमें गेट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ एक स्पीकर, यहाँ पर बॉटल होल्डर, और यहाँ पर ये अपन जो बुडन चेंज कराया हुआ है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये अपन का क्या हो गया भाई, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं पावर विंडो के स्विच, और यहाँ पर ये क्रोम में हैंडल। भाई अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करता हूँ सीट पे, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट। भाई आगे के हेडरेस्ट हमें एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं, वहीं पीछे के हमें फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं कार में। जब भाई अंदर आप बैठेंगे कार में, तो बीच में आपको कोई भी केबिन लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है, एक ही केबिन लाइट, वो भी हमें आगे देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बीच में हम्प की बात करता हूँ तो अच्छा खासा है यार, मतलब ख़त्म नहीं, बहुत है। यहाँ पर जो तीसरा बंदा बैठेगा ना, कोई छोटा बच्चा बैठेगा तभी कंफर्टेबल रह पाएगा, मतलब बहुत छोटा हम्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से था, मतलब ठीक है यार, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पीछे की सीट्स, क्योंकि एक तो हेडरेस्ट इसके फिक्स हैं, तो यार ये लग रहे हैं। एक तो मेरी हाइट काफ़ी है, मैंने आगे की एडजस्ट कर दी ना सीट, और बिल्कुल आगे का जो सीन है ना, आगे का बिल्कुल ब्लॉक है, मुझे यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ऊँची ये है ना, बहुत ज़्यादा हाइट है इनकी हेडरेस्ट की, इस वजह से आगे का बिल्कुल व्यू ब्लॉक हो चुका है यहाँ से। चलिए तो कुछ इस तरह का था। पीछे आपको कोई भी रेयर एसी वेंट्स कुछ भी नहीं मिलते हैं, बस ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर सामान वामान रखने के लिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए कुछ इस तरह से था कार का इंटीरियर। चलते हैं कार में बाहर और बात करते हैं अपन इंजन की। इस कार की सेफ्टी रेटिंग्स की बात करूँ तो हमें 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है GN कैप से। वहीं इसमें 2 एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, इंजन इमोबिलाइजर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर्स हो जाते हैं। वहीं अगर मैं इसके इंजन की बात करता हूँ तो भाई 1.2 लीटर का हमें इंजन मिलता है, और डुअल जेट, भाई अब तो सब में डुअल जेट आने लगा है। भाई डुअल जेट का फ़ायदा, एक तो गाड़ी का पिकअप बहुत बढ़ जाता है, सेकंड तक हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है, वो बहुत बढ़िया रहता है। वहीं इसमें 89 BHP की पावर, 113 नैनोमीटर का हमें टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो भाई करीब 23 का माइलेज तो इसका कंपनी क्लेम कर रही है, सारी बातें छोड़ दीजिए, इतना बढ़िया माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, इसीलिए हमें इसमें 828 किलोमीटर की रेंज हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करता हूँ तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल यार कार लग बहुत प्यारी रही है, क्योंकि स्पोर्टी लुक में तो एकदम जच रही है यार बिल्कुल कार। यहाँ पर पीछे एक रेगुलर एंटीना भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अब सब बातें सही हैं यार, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों के बस की कार पढ़ कितने की रही है, क्योंकि अपनी जेब भी तो देखनी पड़ती है यार। वहीं अगर मैं इस कार की प्राइस की बात करता हूँ तो इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 6,90,000। वहीं अगर मैं इसके ऑन रोड की बात करूँ तो भाई बरेली में ये हमें करीब 7,82,000 रुपये, यूपी के बरेली सिटी में हमें 7,82,000 रुपये की पड़ती है। चलिए बाकी वीडियो को यहीं पर समराइज करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू।